हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप पे किसी भी ब्लॉक कॉन्टैक्ट को परमानेंटली अपने फ़ोन से कैसे डिलीट कर सकते हैं। मतलब उस कॉन्टैक्ट को आप व्हाट्सएप पे जब ब्लॉक करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट परमानेंटली डिलीट नहीं होता। जब आप उसे कॉन्टैक्ट में सर्च करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर तो वहाँ पे वो शो होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप उस कॉन्टैक्ट को परमानेंटली अपने फ़ोन से कैसे डिलीट कर सकते हैं ताकि वो आपके व्हाट्सएप पे शो ना हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। इसमें सबसे पहले आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन के अंदर जाना है। जैसे मैं इस वाले कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, इसी को ब्लॉक करना है, तो यहाँ से ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये ब्लॉक का ऑप्शन आ गया। इस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे ब्लॉक कर देंगे। तो ये ब्लॉक हो गया है, अब बैक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं, फिर भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में ये शो करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो हमें यहाँ ये शो होगा अपने कॉन्टैक्ट्स में। जैसे मैं इसे सर्च करूँ, ये देख सकते हैं आप, ये शो हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बैक आ जाना है और अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाना है। नीचे जो ये कॉन्टैक्ट्स है इसमें हमें इस वाले नाम पे क्लिक करना है और इस कॉन्टैक्ट को डिलीट कर देना है। इसको आप जैसे ही डिलीट कर दोगे तो ये व्हाट्सएप से हट जाएगा, बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे सर्च करके देखते हैं तो यहाँ पे उस नाम से अब कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे व्हाट्सएप से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने सीख लिया होगा कि आप व्हाट्सएप पे किसी भी ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट को पूरी तरह से डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।